तो समाज के ऊपर ध्यान दे, आज हमारी बारी है तो कल किसी और की बारी होगी। हो सकता है कि आज हम मंच पर खड़े होकर बोल तो रहे हैं पर हमारे बच्चे इस लायक भी ना रहे। वो 5000 साल पुरानी स्थिति फिर से पैदा हो जाए, हमें वो स्थिति को नहीं बनाना है, हमें उस स्थिति को वापस नहीं लाना है। जिस तरह से भी हो, जैसे भी हो, सब एकत्रित होकर समस्याओं का समाधान ढूंढे। अगर किसी के ऊपर थोड़ी सी भी समस्या आ गई है तो हमें एक हो जाना पड़ेगा, सभी संगठनों का एक होना पड़ेगा, सभी भाई बहनों को एक होना पड़ेगा। मेरी सभी भाइयों से ये गुजारिश भी है कि अपने घर की महिलाओं को आगे निकालें। बाबा साहब ने कहा था कोई भी देश या किसी भी स्थिति को जानने के लिए उसमें महिलाओं की स्थिति कितनी है, कितनी उस समाज में उन्नति की है, महिलाएं किस तरह से रहती हैं, उससे मापा जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं आजादी के 70 साल भी महिलाओं की स्थिति सबसे बदतर हो गई है। आज भी महिला वही अपने उल्टे घसीटे पिटे पखंडी वाले रिवाजों में जी रही है। उसके लिए मनुवा तो जिम्मेदार है ही, लेकिन हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। मेरे भाई और तुम खुद भी जिम्मेदार हो, जो अपनी माताओं बहनों को आज एक यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है उसमें लेकर नहीं आते हो, उनको समझाते नहीं हो, उसको घर बैठे कितना भी समझाओगे उनको समझ में नहीं आएगा। वो एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, इस चीज को हमें समझना होगा, हमें इस चीज को समझना होगा। जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज ने समाज में आवाज उठाई और दलितों की आवाज बनी, उन्होंने देखा दलित पिछड़े कमजोर वर्ग को किस तरह से दबाया जा रहा है, वो एक आवाज बनकर उभरी। लेकिन सनातनी धर्म ने उसके ऊपर इतना बड़ा घिनौना हत्याकांड किया कि वो डर गए। ना केवल मनुवादी ही डरता है महिला से, मैं तो समझती हूँ कि महिला से हमारे देश के पुरुष सभी डरते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि महिला आगे बढ़े। अगर एक बार महिला आगे बढ़ गई तो हो सकता है ये जो अव्यवस्था फैल रही है ये खत्म हो जाए। और मैं ज्यादा को क्या कहना चाहती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ कि